नमस्कार दोस्तों, आज आपका YouTube इंडिया अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, यूपी में सेब से भी महंगा है टमाटर, सब्जियों के चढ़े भाव फलों को भी कर रहे हैं पीछा, प्याज 50 के पार है, व्यापारी बोल रहे हैं भाड़ा भी बढ़ गया है, बाजार से लेकर किचन तक महंगाई की आग जल रही है। आलम यह है कि लखनऊ में सब्जियों के भाव फलों को भी पीछे छोड़ गए हैं। टमाटर का भाव सुर्ख लाल हो गया है, जिसके सामने सेब के रेट फीके नजर आने लगे हैं। हालात ये हैं कि फलों की दुकान की तरफ से नजरें फेर कर निकल जाने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अब सब्जियों की दुकानें भी उसी तरह होती जा रही हैं। किलो में सब्जी खरीदने वाले अब पाव में भी ले रहे हैं सामान। हजरतगंज में नरही बाजार के बड़े सब्जी विक्रेता लल्लन ने बताया है कि बाहर से आने वाली सब्जियां माल भाड़ा बढ़ने की वजह से महंगी आ रही हैं। डीजल का रेट बढ़ने से लोकल में भी माल भाड़ा बढ़ गया है। मंडी से दुकान तक सब्जी पहुंचाने का भाड़ा पहले 200-250 रुपए लगता था, अब ये भाड़ा 400-500 रुपए लग रहा है। लल्लन ने कुछ दूरी पर सब्जी की दुकान लगाकर बैठे जुनैद कहते हैं कि पहले लोग सब्जी किलो भर खरीदते थे, अब उसे पाव में ले रहे हैं। कुछ सब्जियां तो इतनी महंगी हो गई हैं कि दुकानदार खुद मंडी से थोड़ा बहुत ही उठाता है। इनके ना बिकने पर ज़्यादा पूंजी का नुकसान होने का डर रहता है। फल विक्रेता कमल साहू ने बताया है कि ज़्यादातर बिकने वाला सेब केला मौसमी सब्जियों का से भी सस्ता हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि सब्जियों के भाव दिन प्रतिदिन इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जनता बहुत हद तक परेशान और व्याकुल है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। वंदे मातरम।